हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मराठी लेसन नंबर 6, दैट इज चूड़ी वाला। ये भाग टू का चल रहा है। इसके पहले के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, इसके बाद वाले भी सारे अपलोडेड हैं। ये बीच के कुछ दो तीन चैप्टर्स रह गए थे और मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ इसका फटाफट। ठीक है, इसके पहले का भी वीडियोज़ आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट बना है अलग अलग सारे सब्जेक्ट के, तो आप चेक कर सकते हो उसे। समरी यहाँ पे देखो दिया गया है। चैप्टर अगर आपको समझ में ना आया हो तो यहाँ पे मराठी इंग्लिश में आप समझ लोगे, तो हिंदी मराठी के आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा आपको ये दिमाग में बैठेगा कि किस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब्दुल मियाँ जो चूड़ी वाला है, सो वो क्या है, एक बैंगल सेलर है। चूड़ी वाला आपको पता है, ये जो चूड़ी बेचते हैं। ओके, सो वो कहाँ पर जाता है, तपोवन में, ट्वाइस अ ईयर, साल में दो बार, दैट इज़ ऑन द डे ऑफ संक्रांति एंड ज्येष्ठा पूर्णिमा। ओके, तो ये दो टाइम पे जाता है। एज अ सोशल कमिटमेंट ही यूज टू पुट ऑन बैंगल्स ऑन द रिस्ट ऑफ लेपर वुमन एंड गर्ल्स देयर, तो सबके हाथों में इस तरीके से पहनाता है। और जो कि शन्नू है, उसकी वाइफ डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस जेस्चर ऑफ अब्दुल विजिटिंग द सेंटर ऑफ फेस्टिवल्स, एज इट मेंट शटिंग द बैंगल शॉप एंड लूजिंग बिजनेस ऑन दो स्पेशल डेज। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी गई हैं कि वो यहाँ पे किस तरीके से आप देख सकते हो। सो इस लेसन में यहाँ पे देखो दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, जो अब्दुल मियाँ है वो गरीब है बट टेंडर हार्टेड है। ठीक है, और बैंगल सेलर है, चूड़ी बेचने वाला है। शी ऑल्सो एग्जिबिट्स द रिवरेंट पर्सनालिटी और ऑफ डॉक्टर शिवाजी राव। ओके, यहाँ पे पूरा इंग्लिश में दिया गया है, आप देख सकते हो इसको। तो यहाँ पे वही दिया गया कि जैसे वो तपोवन पहुँचता है, छोटी छोटी लड़कियाँ उसके चारों तरफ घेर लेती हैं और स्टार्ट करती हैं उसके नेम को एक्सेटरली बुलाना। और द वुमेन फोक लीविंग देयर जॉब्स हाफ वे रश्ड टू ही, मतलब अपना काम धाम छोड़ के सब उसके पास आती हैं और चूड़ियाँ पहनना चाहती हैं हर कोई। तो इतने ज़्यादा मतलब इतनी क्योटिक एटमॉस्फेयर में, इतनी भीड़ भाड़ में भी स्किलफुली सबको पेशेंटली वो सब अपना जॉब पूरा करता है, सबको चूड़ियाँ वगैरह पहनाता है। ओके, सो यहाँ पे वही दिया गया है। तो यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, उनके लिए जो तपोवन की जो गर्ल्स वुमेन हैं उनके लिए अब्दुल एक एंजल की तरह है, जो उनके लिए गिफ्ट लाता है। ओके, तो सबके लिए खुशियाँ लाता है साल में दो बार। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन अब्दुल को क्या मिलता है, इनविटेशन लेटर। इट सेड, उसमें लिखा था कि दैट अब्दुल वुड बी फैसिलिटेटेड एट अ फंक्शन एट तपोवन। तपोवन में रहता है फंक्शन, उसमें उसको बुलाया जाता है। अब्दुल और शन्नू खुश हो जाते हैं इस न्यूज़ को पढ़ के, और वंडर भी होते हैं कि ये बहुत ही बड़ा काम है। ठीक है, उनके लिए एक ऑनर की तरह है। एट तपोवन दाजी साहेब हिमसेल्फ, तो दाजी साहब जो होते हैं तपोवन के, वो खुद अब्दुल सीटेड ऑन अ चेयर, उनके बाजू में बिठाते हैं उसको। एज अ सेरेमनी कमेंस्ड, दाजी साहब बिगैन टू स्पीक, बोलने लगते हैं, श्री राम बिल्ट द सेतु, यानी कि उन्होंने सेतु बनाया था, ब्रिज बनाया था समुंदर में, नॉट अलोन, उन्होंने अकेले नहीं बनाया था, बट विद सेवरल हेल्पिंग हैंड्स, कई सारे हेल्पिंग हैंड्स के साथ में, छोटे बड़े हाथ, यानी कि कोई बड़े वानर थे उसमें, कोई छोटे वानर थे, यानी कि जो सेना थी उनकी। इवन अ टाइनी स्क्विरल, ये हम सबको पता है कि छोटी सी स्क्विरल भी होती है, हम बोलते हैं ना कि उसके ऊपर ऐसे जो तीन उंगलियां होती है, वो तीन उंगलियां उस राम जी की हैं। ठीक है, वो अपनी पूंछ से ले जा के रेत वो वहाँ पे गिराती है, तो उसका भी वही यहाँ पे बोला है कि स्क्विरल भी उसमें रहती है। सिमिलरली इसी तरीके से हम लकी हैं कि कुछ जो इंडिविजुअल लोग हैं हमारी हेल्प करते हैं बड़े पैमाने पर, मतलब कि हेल्प तो छोटे करते हैं बट हमारे लिए बड़े वे में है वो। When the idea of giving bangles to the women and girls of Tapovan was thought of, we approached many bangles vendors, but only Abdul Mia came forward readily, and he has been performing his duty diligently for years without any monetary expectation. यानी बिना किसी पैसे के expectation से वो इतने सालों से वो अपनी service दे रहे हैं। उनकी service जो होती है society के लिए बहुत ही ज़्यादा commendable है इंसानियत के हिसाब से। ठीक है, काफ़ी बड़ा है ये। तो ये चैप्टर देखिए यहाँ पे, आप इसे पढ़ लीजिए।
एक बार इंग्लिश में अच्छे से, तो आपको अगर मराठी में, वैसे तो बहुत अच्छी स्टोरी है बट जिनको नहीं समझ में आया रहेगा तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा अगर आप एक बार अच्छे से देख लोगे तो। हम देखते हैं ना कि हमारे गांव वगैरह में भी इस तरीके से फेरी वाले आते हैं, तो उनके भरोसे ही पहले लोग रहते थे कि जब वो कभी आते थे तो सारी चीज़ें लाते थे, अभी भी ऐसा है गाँव में। तो देखो ये सब दिया है, संक्रांति है क्या, मकर संक्रांति है, ज्येष्ठ पूर्णिमा क्या है, ये भी एक वट पूर्णिमा है, ठीक है। मफलर, ये तो आपको पता ही है, मफलर जो हम नेक में बांधते हैं सर को, अपने कान को ढकने के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे दी गई हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, काफ़ी लेंदी चैप्टर है, अगर लेंदी चैप्टर है तो क्वेश्चन आंसर भी इसमें बहुत ज़्यादा होंगे। हम फटाफट मैं आपको ये सारे शो कर देती हूँ क्योंकि इंग्लिश में दिया गया है तो मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देखिए और इसे लर्न कीजिए। आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर पे। मेरी मराठी उतनी अच्छी नहीं है बट मैं ट्राई करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझा दूँ जितना भी मुझे थोड़ा मोड़ा आता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको डाइजेस्ट ट्रांसफर प्रोवाइड कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन अगर आप बोलोगे तो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आती, बट इतना अच्छा प्रोनंसिएशन नहीं है मेरा मराठी का, मुझे समझता है बट इतना अच्छा मुझे पढ़ के नहीं इतना अच्छा समझ में आता, ठीक है। मतलब पढ़ के मैं समझा सकती हूँ, बोल के समझा सकती हूँ, बट थोड़ा सा प्रोनंसिएशन इधर उधर है। ओके तो ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं, सो क्वेश्चन के आंसर हम एक एक करके देखते हैं, सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, आंसर नहीं दिए गए हैं, इसके साइड में है क्वेश्चन आंसर, इसके आंसर्स, बट हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये क्वेश्चन तो यहाँ पे आंसर, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आंसर साथ में दिया रहेगा, ठीक है। आते हैं हम आंसर पे, देखिए जैसे ये क्वेश्चन का आंसर साथ में दिया हुआ है, संक्रातिला बायका जात असत, सो बांगड़िया भरायला देवीचा दर्शनाला, यानी बांगड़ी और देवी के दर्शन के लिए। और यहाँ पे देखिए ये टफ वर्ड्स के मीनिंग है और इंग्लिश में दिया गया है, वैसे तो मराठी सिंपल मराठी की वर्ड में भी दिया गया है लेकिन आप इंग्लिश में भी देखिए, दोनों ही देखिए, आपको जहाँ से लर्न हो जाए वो अच्छा है। जो क्वेश्चंस थे वहाँ पे उसके आंसर्स हैं, यहाँ पे था ना ये क्वेश्चन, ये रहा जैसे ये देखो ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर ये है, थर्ड वाला इसका आंसर ये है, फोर्थ वाला तो इसका आंसर ये है, ऐसे भी देख लो आप, यहाँ पे दिख रहा है, बट हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है उनके क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखते हैं, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे बांगड़ियाचे रंग, तो यहाँ पे लाल पीवड़िया इतने सारे निड़िया रंगी बिरंगी बांगड़िया, ओके। सेकेंड है ये जो, उसका आंसर यहाँ पे है। अब ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, उसके आगे बॉक्स में आंसर लिखना है सत्य सत्य, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आ जाते हैं यहाँ पे। मोनाचे नाव अनवर, बायकोचे नाव शन्नू, क्या सत्य सत्य है वो यहाँ पे दिया हुआ है। वापस ये क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स, अब जैसे ये जो दो क्वेश्चन हैं, ये जो दो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स यहाँ पे हैं, ओके। तो यहाँ पे ये इनके क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ऐसे आंसर बता रही हूँ ताकि आपको देख लो अच्छे से, जूम इन कर देती हूँ, आंसर देख जाएगा अच्छे से। अभी ये जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन के साथ में आंसर है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं। ये जो विधान है संक्रांतिचा दिवस अब्दुल्ला पवनीचा वाटे, तो इसका विधान आप अपना मत दो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, कि यहाँ पे वही दिया गया है संक्रांति का जो दिवस होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बांगड़ी वो मतलब कि तेज़ी से उनका बिकने लगता है, कमाई सुधा छान हुई मतलब कमाई अच्छा हो सकती है, लेकिन अब्दुल
ये 10 वर्षों से संक्रांति में तपोवन में जाता है और स्त्रियों और लड़कियों को वो बांगड़ी पहनाता है। त्याला ही गोष्ठ, उसको ये जो गोष्ठ है उसको, यानी कि ये जो उसका ये फेस्टिवल है या जो गोष्ठ है उसको बहुत पसंद है। असे त्याला आपल्या बांगड्याचे कौतुक तर होतेच, परंतु तपोवनातील स्त्रियाच्या बांगड्या भरल्यानंतरचा आनंद त्याला खूप मोळाचा वाटे, मतलब उनको बहुत पसंद आता है। उनका जो चेहरा होता है, उनका चेहरा, उनके चेहरे पे जो आनंद होता है, अब्दुल विलक्षण समाधान बाटे। तो उसका कौन होता है समाधान? अब्दुल की वजह से उनकी चेहरे पे खुशी आती है। छोटी छोटी जो यहाँ पे होती हैं मुलिंचा यानी कि लड़कियाँ, गराड़ा व गलका त्याला आवड़त असे। यहाँ पे देखिए कि स्त्रियों के लिए तो वो देवदूत की तरह है, क्योंकि उनको उनके लिए चूड़ियाँ लाता है ऐसे फेस्टिवल पे। और संक्रांति का दिवस जो होता है, दिन होता है, बहुत ही आनंद और चैतन्य का दिन होता है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ देखो कि ये सामाजिक कार्य करता है इस तरीके से। गुण विशेष लिखा दाजी साहेब, तो इसका इनका गुण विशेष क्या है वो बताना है। तो ये देखो आंसर ये रहा, ये आंसर है। अभी जो सेकंड आंसर है, पोशाक, दाजी साहेब का पोशाक क्या है, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ, यानी कि सफ़ेद स्वच्छ धोती और गला बंद कोट और डोक्याला केशरी फेटा, और सर पे क्या है, केशरी फेटा, यानी जो वो होता है ना जो पगड़ी जैसा लपेटते हैं फेटा, वो केशरी, केशरी यानी कि सैफ्रन कलर। ओके सैफ्रन, ओके। अभी थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये दिया हुआ है यहाँ पे। ओके अभी जो यहाँ पे टफ वर्ड्स है, ये आपके टेक्स्ट बुक में इतना सारा नहीं दिया होगा, तो इसे ज़रूर याद कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में आए, तो क्वेश्चन आप तभी समझ पाओगे जब वर्ड मीनिंग आपको पता रहेगा। एक वाक्य में उत्तर लिखना है इसका। सो एक वाक्य में उत्तर देखो, ये रहा, मैं आपको ये शो करती हूँ अच्छे से। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, और ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। मैं अभी जूम इन करके बता दूंगी, पहले ऐसे क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। अभी ये जो थर्ड वाला है, तो इसका देखो फर्स्ट का जो यहाँ पे है और यहाँ पे है ब्लैंक, तो यहाँ का आंसर ये है और सेकंड का ये है। उसके बाद आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे तो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे भी और आंसर में भी, क्वेश्चन के साथ में आंसर है। ये रहा यहाँ पे आंसर, देखिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, आंसर पे। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है उसके, असत्य विधान ओढ़का, इसका भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा नीचे। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इतने सारे, इसमें से कौन सा असत्य वचन है, चार दिया हुआ है, तो चारों में से जो असत्य वचन है ये है, अपेक्षा होती, अब्दुल मियाला मोबदल्याची अपेक्षा होती, ये वाला सेकंड वाला ये असत्य वचन है। सतता पटवुंद्या अब्दुल एक थोर समाज सेवक, तो अब्दुल एक समाज सेवक है, ये आप इस पे बताओ। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि अब्दुल मियाँ संक्रांति और ज्येष्ठ पूर्णिमा में मतलब कि तपोवन जाना नहीं भूलते, तेथे जाऊँ तो तेथिल स्त्रियाँ व मुलिना मुफत बांगड़िया भरत हस्ते, वो मुफ्त में ही मतलब कि यहाँ पे वो स्त्रियाँ जो हैं वो चूड़ियाँ पहनती हैं, त्यार स्त्रियाचा व मुड़िशा चेहरा वरील आनंद पाउन, और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी चेहरे पे जो खुशी होती है उसका आंतरिक समाधान कौन है यहाँ पे, अब्दुल मियाँ। या वरुण त्याशी समाज सेविची तड़मड़ लक्षात ये थी, तो यहाँ पर उनका क्या दिखता है, समाज सेवा दिखता है कि किस तरीके से वो समाज सेवा कर रहे हैं। एरवी यार सड़ाला, सो इस तरीके से इस जो ये सन है यानी कि ये जो त्योहार है तपोवन में, तो गावाद बांग्या
विकल्या अस्त्या तर अब्दुल मियाची खूब कमाई झाली अस्ती। अगर इस तरह से वो अगर उनका ये मतलब कि अगर उनका ये बांगड़ी बिकती अगर वो खुदते तो खूब कमाई करते। पण असा व्यवहारी व स्वार्थी विचार त्याने कधीचा केले नाही, पर ऐसा स्वार्थी विचार ऐसा व्यवहार उन्होंने कभी किया नहीं। अगर वो बेचते, यहाँ पे तो गिफ्ट की तरह दे रहा है लेकिन वो बेच नहीं रहा है, ठीक है, अगर ऐसा करते तो उनकी बहुत कमाई होती। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, समाज सेवा का खूब आनंद उनको हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि वो स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा सादा है, ठीक है, अतिशय सीधा सादा है, सात्विक व नम्र है वो। केवल सत्कार साठी त्याने समाज सेवा व्रत घेरते नवते, उसके मन में क्या है, सिर्फ समाज सेवा व्रत सत्कार है, अब्दुल सोर समाज सेवक ही विधान साथ है। तो ये जो बोला गया कि अब्दुल बहुत ही ज़्यादा समाज सेवक है, ये विधान सही है। कारणे दया, तो कारण बताना है इन दोनों का ये जो दिया गया है, और उसके बाद शब्द जाल पूर्ण करा उसका आंसर, और ये सारे जो क्वेश्चन है इसके आंसर हम देखते हैं, और इन सब के क्वेश्चन के आंसर साथ साथ में आपको दिए जाएंगे। अपराधी यानी गुनहगार, एकाएकी यानी अचानक, सडनली, एट वंस, ये सारे वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो जो कारण बताना था, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन है, यही था ना ऊपर, और उसके आगे का ये जो है वो आपका आंसर है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसका आंसर दिया गया है, ये तो हमने ऊपर में देखा सारे क्वेश्चन। तो पेशवी में क्या होता था, पाउडर का डब्बा होता था, रुमाल होता था, रिबिन होता था, और अलग अलग प्रकार के चूड़ियाँ होती थी। थाड़ी तले अन्य पदार्थ, चपाती, वांग्याची भाजी, और उतारिया तालेल्या दोन सणाची नावे, तो एक तो नवरात्र, एक दिवाली यानी दिवाली। सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए, वापस से यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखो ये जो क्वेश्चन है पहले का, ये चार, तो इन चारों के आंसर देखो, तन मन धनाने का इसका आंसर यहाँ पे है। सेकेंड जो कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड जो है, थर्ड का, तो यहाँ पे है आंसर। फोर्थ का ये दिया हुआ है, और फिर इसका क्वेश्चन का आंसर तो हमको मिल ही जाएगा क्वेश्चन के साथ में। तो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये सारे देखो आंसर दिए हुए हैं, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हैं जो दिए गए हैं। शनों का स्वभाव कैसा है, संसारी है, चिड़चिड़ है, इस तरीके से नाराज है। स्वमत अव्यक्ति, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, दूसरे की मदद करने से आनंद जो मिलता है वो यहाँ पे वो प्रसंग लिखना है आपको अपने तरीके से, तो यहाँ पे देखो लिखा गया है शनों के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो। ये सारे आंसर यहाँ पे हैं, इसका आंसर हमने देखा भी अभी। यहाँ पे आपका ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे आंसर उसके नीचे देखो दिया गया है। भारद्वाज पक्षी सुंदर दिखता है, इसको उद्गारार्थी में करो, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, और इसका आपको प्रश्नार्थक में करना है, तो देखो ये दिया है दोनों का। ये सारे यहाँ पे वाक्य बनाने हैं आपको, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो ये दिया गया है, इसका वाक्य प्रयोग करना है आपको। तो कीवेणे का यहाँ पे अर्थ बताया और वाक्य बनाया, संकोच बांटने का भीड़ बांटने और वाक्य बनाया, या ये सारी चीज़ें तो आपको हिंदी मराठी हिंदी इंग्लिश में भी आता है, तीनों ही लैंग्वेज में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर का तो सेम ही होता है। दोन समानार्थी शब्द लिया दिया हुआ यहाँ पे, विरुद्धार्थी शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, वचन बदला आंसर देख सकते हैं, पेटी का पेटिया, बाय का बाई, ये सारी इजी चीज़ें हैं जो आप स्टार्टिंग से करते आए हो फिफ्थ स्टैंडर्ड से, तो इसलिए ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं बिल्कुल भी। ये जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स ये रहा, मैं भी आपको ये पूरा पूरा पेज बता देती हूँ, अभी मैंने जूम इन करके यहाँ पे इस तरीके से बताया, अभी मैं आपको पूरा पेज का बताती हूँ आंसर।
चलिए देखते हैं पूरा पेज वाइज इस तरीके से। यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट बताइए, सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, हर एक सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बने हुए हैं अलग अलग, तो ज़रूर देखिए उसे। और आपको जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट बताइए। आपके तीनों ही राइटिंग स्किल, तीनों लैंग्वेज के राइटिंग स्किल्स के अलग अलग PDF अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, तो ज़रूर देखिए उसे, वहाँ पे जो भी वीडियो आपको चाहिए मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई निबंध ऐसा है या कोई राइटिंग स्किल में कुछ भी, या फिर जो भी ऐसा लगता है कि नहीं है और आपको इम्पोर्टेंट है, तो आप कमेंट में बताइए, वो भी आपको मिल जाएगा। हेल्पफुल है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ये सारी चीज़ें हमने देखी।